हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और 26 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का जो पेज है वो आप लोगों के सामने है। सारी खबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पूरी खबर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। और सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर मिलेगा, लिखा हुआ है रेजिंग होप्स। देखो, आपने सुना होगा कि जो आर्कटिक है वहाँ की आइस जो है वो मेल्ट हो रही है लगातार। आर्कटिक एम्पलीफिकेशन का भी अलग फिनोमिना है, तो वहाँ पर जो आइस है वो लगातार जो है वो मेल्ट होती चली जा रही है। इससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पोलार बियर जो हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाएंगी, क्योंकि पोलार बियर के लिए जो आइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब सी आइस होगी तभी पोलार बियर यहाँ पर जो है वो सस्टेन रह पाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक नई स्टडी हुई है, और स्टडी ने ये बताया कि एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन भी रह रही है। 27 पोलार बियर्स वहाँ पर रह रहे हैं साउथ ईस्ट ग्रीनलैंड के अंदर, और साउथ ईस्ट ग्रीनलैंड में कोई भी सी आइस नहीं है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किसी भी तरीके की सी आइस नहीं है, और उसके बावजूद भी 27 पोलार बियर्स वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पोलार बियर्स जो है वो सी आइस के बिना भी रह सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पोलार बियर सी आइस के बिना भी रह सकते हैं। तो ये डिस्कवरी इस चीज़ में होप यहाँ पर जगाती है कि पोलार बियर माइट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ आइस। अब क्या करेगा ह्यूमन जो है वो सारी आइस ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पर जो है पोलार बियर बिना आइस के भी रह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, द पोलार बियर टिपिकली नीड सी आइस टू सर्वाइव, ये हमारी अवधारणा थी। और लेकिन ये डिस्कवरी जो है वो यहाँ पर इसीलिए हुई और ये बताया कि सी आइस की अब ज़रूरत नहीं है। दे हैव एडेप्टिव टू हंटिंग ऑन ग्लेशियल मिलेंज। तो पहले यही पता किया जाता था कि भाई ग्लेशियल मिलेंज पर ही ये आपके हंट कर पाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं। ग्लेशियल मिलेंज कुछ इस तरीके की ज़मीन होती है पोलार एरियाज़ के अंदर, और ये बेसिकली ना तो प्योर आइस होती है ना ही प्योर स्नो होती है, ये इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। ओके, ये इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है, इसको आइस मिलेंज भी कहते हैं या फिर आपका ग्लेशियल मिलेंज भी कहते हैं। और सी आइस के टाइप्स या आइस वर्क्स या स्नो, इन सब को मिला करके ये यहाँ पर तैयार होता है। बेसिकली जो ये रिज़ल्ट है वो है आपका आइस कालविंग का। आइस कालविंग मतलब जब आपकी एक बड़ा ग्लेशियर होता है उससे आपकी जो आइस है वो यहाँ पर टूट करके गिरती है, तो उसके बावजूद उसके बाद में इस तरीके के जो मैदान हैं उनका निर्माण यहाँ पर होता है, और इनको कहा जाता है आइस मिलेंज। ये ना तो प्योर आइस होते हैं ना ही प्योर स्नो होते हैं, ये सभी का मिक्सचर यहाँ पर जो है वो होते हैं। तो आइस मिलेंज जो है उसके कारण, मतलब जैसे जैसे ये चीज़ें होती रहेंगी, पहले तो ग्लेशियर से बर्फ़ टूटेगी, फिर आपका आइस मिलेंज यहाँ पर तैयार होगा, तो उससे जो है वो ग्लेशियर कालविंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओशियन वेव जनरेशन अफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होती है, सीस्मिक वेव्स का जनरेशन होने लगता है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन इंटरेक्शंस मिलते हैं, और टाइड वाटर ग्लेशियर सिस्टम्स जो हैं उनमें भी चेंजेस होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको पता होने चाहिए। वैसे एक लाइन में ख़त्म कर सकते थे इस पॉइंट को, ये मिला आपको। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रैकिंग बक्स। ट्रैकिंग बक्स का मतलब ये है कि DNA यहाँ पर उठाया गया 1200 से ज़्यादा स्पीसीज़ का, इनवर्टिब्रेट्स की, और ये फाउंड किया गया कि ये टी और ड्राइड हब्स में इसके सैंपल देखने के लिए मिल रहे हैं इन बक्स के। ओके, तो ये जो ट्रेसेस यहाँ पर उठाए गए DNA के, इनको कहा जाता है एनवायरमेंटल DNA, इसको इन शॉर्ट कहते हैं EDNA। ये अभी उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है। ओके, और ये जो है वो बेसिकली अभी यूज़ होना शुरू हुआ है, तो इसके बारे में क्वेश्चन निकलेगा, शॉर्ट बात है कि निकलेगा जरूर से। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यहाँ पर एक्रॉस ये चलते रहते हैं, मतलब आगे की चीज़ें काम के नहीं हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो EDNA है ये हमारी मदद कर सकता है। EDNA बेसिकली अगर आप देखें तो एनिमल्स जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ वहाँ अपना DNA वातावरण में छोड़ते हुए चलते हैं, उनकी सांसों के द्वारा या फिर सलाइवा, फर या फीकस, इन सब के द्वारा एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं वो DNA पाया जाता है, चाहे वो उसके आसपास अभी मौजूद हों या ना हो। तो ये जो सैंपल्स हैं इनको EDNA कहा जाता है, और इन EDNA के कारण जो है ये DNA वातावरण में फ्लोट करता रहता है। आप इसको जो है वो एयर से उठा सकते हो, वाटर से उठा सकते हो, मिट्टी से उठा सकते हो, किसी पेड़ के ऊपर रखा होगा। ओके, तो इस टाइप से जो है वो आपका बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट भी करता है, कंजर्वेशन एफर्ट में मदद कर सकता है। तो EDNA कैन पोटेंशियली आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और इसकी मदद से जो बायोलॉजिस्ट हैं वो एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं, और साथ ही साथ उनके जो DNA है उसको पिकअप करते हैं, या तो एनिमल्स के फुटप्रिंट में देखने के लिए मिल सकता है, उनके फीकस में मिल सकता है। तो इस तरीके से डिमांड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क जो है वो किया जाता है।
ट्रैकिंग एनिमल्स ईडीएनए के थ्रू ये एक नया आइडिया नहीं है। बायोलॉजिस्ट इससे पहले भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए है उसको वाटर सैंपल से उठा करके लाए हैं, दैट इज कॉल्ड ईडीएनए, और उसके ऊपर काम हुआ है। ओके, तो इस चीज़ें उभर करके आ रही हैं और इससे जो है वो पता कर सकते हो कि इंसेक्ट जो है उसका बिहेवियर क्या है, उसकी पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज हो रही है वगैरह वगैरह चीज़ें। इसके बाद आगे चलें तो लिखा हुआ है COP15 इन कनाडा। COP15 बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो CBD इसको कहते हैं। और CBD की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग है वो यहाँ पर होती हैं। फिलहाल 15वीं मीटिंग यहाँ पर होनी है और इस 15वीं मीटिंग में अगर आप देखें तो ये मीटिंग अब कनाडा में होगी। पहले ये मीटिंग जो है वो चाइना के कुनमिंग में होनी थी, लेकिन अब ये मीटिंग कनाडा के मॉन्ट्रियल में यहाँ पर होगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। और पिछले 2-3 सालों से COVID-19 की वजह से मीटिंग नहीं हुई है, तो इसीलिए ये मीटिंग अब जो है वो यहाँ पर होगी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीटिंग है। अभी CBD के बारे में यहाँ पर ना पढ़ें तो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये डिस्कस हो गया तो फिर अब इसके बारे में पढ़े। ये आपको पहले से ही जो है वो कवर करके रखना था, चाहे ये न्यूज़ के अंदर आता या ना आता, CBD के सारे प्रोविज़न आपको पता होने चाहिए थे। जैसे 16 से 31 मई की डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर CBD के बारे में डिटेल में जो है वो कवर कराया है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी और प्रोटोकॉल हैं वो भी सब कवर कराए हैं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद आगे चीज़ें पता लगी हैं, और आपको पता होगा एक प्रोविज़न होता है नॉइज़ पोल्यूशन का। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जो है वो मैराइन जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर कई तरीके के बिहेवियर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। बिहेवियर चेंजेस मतलब उनका मेटिंग पीरियड यहाँ पर चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर बेसिकली अगर हम बात करें तो फ़िश के जो एग्स वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं। तो ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है इसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके के पहले सोनार यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सोनार आप वाटर जब आप वैशल वगैरह ले जा रहे होते हो तब आप सोनार का इस्तेमाल कर सकते हो, दूरी वगैरह के लिए, गहराई नापने के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो वो जो सोनार हैं उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है और उसकी वजह से ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो अब हम सोनार का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे, अब हम व्हेल हार्मिंग सोनार का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अब हम जो है वो एम्बियंट साउंड्स का जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो कि एक्वेटिक क्रिएचर की होंगी। मतलब क्या है, मतलब ऐसी सोनार जो कि वेल्स को परेशान करती हैं या और मछलियों को परेशान करती हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम ऐसी साउंड का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऐसी लगे कि हाँ भाई कोई क्रिएचर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। लाइक व्हेल की साउंड का ही इस्तेमाल करके हम यहाँ पर एक स्पेशल सोनार जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और ये सोनार जो है वो आपकी मदद करेगा सेम पर्पज़ करने में, जबकि उसे ये काम और ये काम बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हम जो है वो गोलियत ग्रुपर्स या फिर सुपर कह सकते हैं कि जो पिस्टल श्रिम्प है इनकी साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो रहा है और जो है वो आपका काम भी हो जाएगा, मतलब वर्क लाइक सोनार भी हो पाएगा और साथ ही साथ मैराइन ऑर्गेनिज़म्स को ये जो नॉइस है सोनार की वजह से वो भी फील नहीं होगी, क्योंकि उनको फील होगा कि ये कोई एक्वेटिक क्रिएचर है, ये तो पिस्टल श्रिम्प है, जबकि आपने पिस्टल श्रिम्प के लाउड का इस्तेमाल करके सोनार को डेवलप किया। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एरोसोल्स के ऊपर स्टडी की गई और पता चला कि SARS-CoV-19 किस तरीके से स्प्रेड होता है। तो ये तो सब कॉमन चीज़ें हैं, ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्टडी जो है वो हैदराबाद के और बेंगलुरु के कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के यहाँ पर की, और ये जो पब्लिश हुई वो एरोसोल साइंस के अंदर पब्लिश हुई। इन्होंने एक मशीन यहाँ पर डेवलप की है, ये रही मशीन। इस मशीन के अंदर बेसिकली कह सकते हैं कि जेल यहाँ पर रखा हुआ है, और इस जेल को जिस भी वातावरण में ले जाओगे ये वहाँ से एयर के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप RNA एक्सट्रैक्शन करके RT-PCR के जरिए पता कर लो कि उस वातावरण में जो आपके वायरस मौजूद हैं वो COVID-19 से अफेक्ट हैं या नहीं है, ऐसे ही, या फिर आप जो है वो सैंपल फिल्ट्रेशन करके वीरो सेल्स के सैंपल यानी वायरस को सैंपल्स करके यहाँ पर आप जो है वो वायरस की कल्चर करके पता लगो। कुल मिला के देखो याद ये रखना है आपको कि इस तरीके से आपका जो है हम इस सैंपल कलेक्शन मशीन के द्वारा ये पता करेंगे कि किसी वातावरण में COVID-19 मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो कितना सेवियर मात्रा में यहाँ पर है। तो रिसर्चर्स ने जो सैंपल्स यहाँ पर कलेक्ट किए COVID-19 वार्ड से यहाँ पर किए, तो COVID-19 वार्ड जिसमें कोविड पेशेंट यहाँ पर होंगे, एक तो इन्होंने यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए। इसके बाद इन्होंने COVID-19 वार्ड के बाहर से जो कॉरिडोर थे या हॉस्पिटल के नियर के इलाके थे वहाँ पर इन्होंने इस मशीन को रखा, तो COVID-19 डिटेक्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कोविड वार्ड में तो COVID-19 मौजूद था एयर के अंदर, ओके, एयर सैंपल उठा रहे हैं भाई याद रखना, लेकिन आसपास के इलाकों में ये मौजूद नहीं था। तो लिखा हुआ है कि
ये पता चला कि इन्फेक्शन डजंट स्प्रेड वेरी फार, आपका हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के पूरे अंदर तक भी इन्फेक्शन जो है वो एयर के ज़रिए नहीं फैला, तो ये चीज़ें यहाँ पर पता लगी। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि एक होता है निगेटिव प्रेशर रूम आपके हॉस्पिटल के अंदर, ये बेसिकली एक आइसोलेशन वार्ड है हॉस्पिटल के अंदर, तो जो इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड पर्सन होते हैं उनके लिए, तो ये जो हॉस्पिटल का निगेटिव प्रेशर रूम है यहाँ पर भी कोविड 19 के सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिले हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, मतलब जहाँ कोविड वार्ड था स्पेशली आपका जो, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो आपका कोविड वार्ड और एक है आपका निगेटिव प्रेशर रूम, तो दोनों चीज़ों में ही जो है वो दोनों चीज़ों को बेसिकली अलग अलग रखने की ज़रूरत इन्होंने यहाँ पर बताई। देखो लिखा हुआ भी है, मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैविंग सेपरेट कोविड वार्ड्स एंड निगेटिव प्रेशर रूम्स आर गुड बिकॉज इन्फेक्शन डज नॉट स्प्रेड वेरी फार, इनको अलग अलग कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है। बाकी आपको इसके अंदर से कुछ भी नहीं पढ़ना, ये बहुत ही ईजी इतना आपको देखना था, बाकी ना तो प्री के लिए कुछ निकल रहा है ना ही मेंस के लिए कुछ निकल रहा है। आगे चलें तो आपको पता चलेगा कि एवरी री इन्फेक्शन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टू हेल्थ। देखो जी इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, आर्टिकल अच्छा है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्टडी हुई और इस स्टडी ने यह बताया कि नेचुरली इन्फेक्टेड अगर आप होते हैं सार्स कोविड 19 वायरस से तो इससे आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आप फ्यूचर इन्फेक्शन यहाँ पर होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बार इन्फेक्टेड हो गए तो आपके अंदर जो है वो सेल्स क्रिएट हो गई और जब आप दोबारा से इन्फेक्ट हो गए तो फिर वो सेल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगी, यानी फ्यूचर इन्फेक्शन से आप यहाँ पर बच सकते हो। द स्टडी हैज़ फाउंड दैट कंप्लीट अपोजिट, ये मान्यता थी लेकिन अब इसको यहाँ पर बदला गया, ये अब कंप्लीट अपोजिट हो गई है और लिखा है कि एक प्रीवियस इन्फेक्शन मेक द नेक्स्ट इन्फेक्शन वर्स। तो देखो दो बातें निकल कर के आईं, पहले माना जाता था कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आप दूसरे इन्फेक्शन से लड़ सकते हो क्योंकि आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है, लेकिन ये थ्योरी यहाँ गलत साबित कर दी गई। थ्योरी अब कहती है कि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ है और दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है तो दोबारा जो इन्फेक्शन हुआ है उससे ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। ओके, तो दो तरीके के इन्फेक्शन है, एक है फर्स्ट इन्फेक्शन जो पहली बार हुआ है, फिर दोबारा से आपको हो गया वैक्सीन वगैरह लेने के बाद री इन्फेक्शन। तो पहला इन्फेक्शन हुआ है तो उससे आपके जो एडवर्स हेल्थ आउटकम्स दिख सकते हैं, पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑर्गन सिस्टम्स बेकार हो सकते हैं, साथ ही साथ जो हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस मिल सकते हैं, इवन डेथ भी मिल सकती हैं। तो ये पहले इन्फेक्शन के बाद है, फिर लेकिन आप इसमें बच गए, बचने के बाद आपने वैक्सीन वगैरह ली और फिर भी आपको री इन्फेक्शन हो गया तो आपके डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ अगर डेथ के चांसेस नहीं हैं तो फिर एडवर्स हेल्थ आउटकम्स देखने के लिए मिलेंगे पल्मोनरी एंड सेवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं, मतलब री इन्फेक्शन जो है ज़रूरी नहीं है कि आप उससे बच पाओ, उससे और ज़्यादा वर्स सिचुएशन मिलेगी। तो स्टडी ने इस चीज़ को फाउंड किया कि दोज जो कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट यहाँ पर हुए हैं, पीपल विद री इन्फेक्शन उनके अंदर एलिवेटेड रिस्क ज़्यादा मिलते हैं। तो पहली बार आप अगर इन्फेक्ट हुए हो तो इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट वगैरह करके आप बच सकते हैं, लेकिन दूसरी बार हुआ है तो रिस्क जो है वो आपका बढ़ जाता है। ओके, तो हज़ार्ड रेशियो यहाँ पर बढ़ जाता है और मोरेलिटी की जो चांसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और कोविड 19 इन्फेक्शन के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं और हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फैटीग है, ये सब चीज़ों के चांसेस भी यहाँ पर जो हैं वो री इन्फेक्शन के बाद जो हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं और रिस्क जो है वो आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के इतना था कि फर्स्ट टाइम अगर आपको यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले स्टडीज़ कहती थी अगर आपको री इन्फेक्शन होता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अभी स्टडी कह रही है कि री इन्फेक्शन हुआ है तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो अच्छी बात का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप उससे लड़ सकते हो, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन अभी रीइन्फेक्शन की जो नई थ्योरी ये आर्टिकल के अंदर से निकल करके आई है वो ये कह रही है कि अगर आपको रीइन्फेक्शन होता है तो इससे रिस्क बढ़ जाते हैं और यहाँ पर रिस्क कम होने का प्रोविज़न था। तो ये दोनों स्टडीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट जो हैं वो यहाँ पर कर रही हैं, अपोजिशन यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर दिखा रही हैं। तो आपको अभी ये वाली थ्योरी जो है वो ध्यान में रखनी है क्योंकि इतने बड़े आर्टिकल के रूप में निकाली है, इसका मतलब थ्योरी में कुछ दम तो यहाँ पर है। बाकी चलते रहो, देखते रहो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, बट ये आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आगे चलें, लिखा हुआ है टाइफॉइड एस थाइपी इज़ मोर ड्रग रेसिस्टेंट। देखो आपने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का प्रोविज़न जो है वो यहाँ पर पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं AMR, जो एंटीबायोटिक्स आप यहाँ पर लेते हो अलग अलग इन्फेक्शंस के लिए, लाइक ABRB है जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो उसमें आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं करती,
ओके, तो बीमारी आपकी ठीक नहीं हो पाती, यानी कि आपकी हेल्थ पर एंटीबायोटिक लेने के बाद भी कोई असर नहीं होता, तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर बेसिकली टाइफॉइड के बारे में बताया गया है, और टाइफॉइड का जो बेसिकली बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो रहा है, मतलब उसके ऊपर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अब असर यहाँ पर नहीं कर रही, और ह्यूमन हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। तो जो टाइफॉइड है बेसिकली, अगर हम बात करें इसका जो मेन चीज़ है वो है आपकी एस्थाइपी, ओके, जो बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो है वो है सोन दैट रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑलमोस्ट ऑल ओरिजिनेटेड इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर जितने भी केसेस टाइफॉइड के देखने के लिए मिल रहे हैं वो केसेस एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और 1990 से लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा स्प्रेड देखने के लिए भी यहाँ पर मिल रहा है। बाकी इंडिया के अंदर भी देखें तो केसेस की संख्या काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जो आपका टाइफॉइड है उसको ट्रीट करने के लिए सक्सेसफुल हो सकती थी, लेकिन अभी जो है वो रेसिस्टेंस इमर्ज हो चुका है, अब एंटीबायोटिक्स उसको ठीक नहीं कर रही हैं। तो जब AMR ABR के एग्जाम्पल लिख रहे हो तब यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हो कि जो आपका टाइफॉइड है उसके केसेस कितनी तरीके से 200 टाइम्स यहाँ पर बढ़े हैं। तो ऑथर ने ट्रेस किया द प्रेजेंस ऑफ जीन्स कन्फरिंग रेजिस्टेंस टू मैक्रोलाइट्स एंड क्यूनोलोन्स। ये दो तरीके की जो हैं वो बेसिकली ड्रग्स हैं जिससे टाइफॉइड को ट्रीट किया जाता है, लेकिन अब ये जो ड्रग्स हैं वो आपकी बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर पा रही हैं टाइफॉइड को। तो इससे ह्यूमन हेल्थ में जो है वो बेसिकली और ज़्यादा क्रिटिकल हो जा रही है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि टाइफॉइड जो है वो इसको ठीक नहीं कर पा रहा है। ऊपर से टाइफॉइड की जो कंडीशंस हैं वो यूके, यूएस, कनाडा जैसे सभी इलाकों में भी यहाँ पर फैल रही हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फाइटिंग टाइप टू डायबिटीज़ पेंडेमिक, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स निकलते हैं इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन ने एस्टिमेट किया कि पूरी दुनिया में लगभग 537 मिलियन लोग हैं जो कि डायबिटीज़ से यहाँ पर जूझ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स पॉइंटेड आउट डेट ओवर 37 मिलियन पीपल, यानी कि लगभग 10% लोग यूनाइटेड स्टेट्स के, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पर है। डायबिटीज़ टाइप ए हो सकती है, डायबिटीज़ टाइप टू हो सकती है, दोनों के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अंतर यह है कि टाइप वन जो है वो जेनेटिक है इन ओरिजिन, और टाइप वन जो है वो बेसिकली ईजियर है हैंडल करने के लिए, इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। आपको एक्सटर्नल इंसुलिन यहाँ पर लेनी पड़ेगी, इंसुलिन के इंजेक्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, और ये जो है वो आपकी शुगर को एनर्जी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकता है जब भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप जो है वो टाइप वन डिजीज से जो है डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हो, और इसको जो एक्सेसिव शुगर होगी उसको लीवर वगैरह में जो है वो आपका स्टोर करेगा और फ्यूचर यूज़ के लिए जो है वो रखेगा। तो ये आपकी टाइप वन डिजीज़ है, टाइप वन डायबिटीज़ जिसको यहाँ पर कहते हैं। दूसरी हो गई आपकी यहाँ पर टाइप टू डायबिटीज़, और ये जो है इसके लिए आपको इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, और ये जो है वो लार्जली लाइफ स्टाइल बेस है। देखो पहली वाली जो है वो आपकी इनहेरिट है, ये आपकी जेनेटिक है, लेकिन दूसरी वाली जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ये वाली ज़्यादा खतरनाक है टाइप टू। तो ये जो टाइप टू है वो लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है, इसका मतलब ये है कि अर्बन एरिया के अंदर जो जंक फूड वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं या उनका लाइफ स्टाइल है, तो ये प्रॉब्लम अर्बन एरिया में ज़्यादा पाई जाएगी। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। टाइप टू डायबिटीज़ जो है वो एज रिलेटेड है, स्पेशली 45 या उससे ऊपर के लोगों में देखने के लिए मिलती है। टाइप वन जेनेटिक है, मैंने आपको बता दिया, जबकि टाइप टू जो है वो लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड यहाँ पर करती है। तो मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन ने ये शो किया है कि टाइप टू डायबिटीज़ जो है उसके लिए आपको एक्सटर्नल इंसुलिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ जेनेटिक। और साथ ही साथ ये भी बताया कि टाइप टू डायबिटीज़ जो है वो लाइफ स्टाइल बेस होती है, और स्पेशली इंडिया के अंदर लगभग 11% पॉपुलेशन में है, जिसमें से आपकी जो है प्रिवेलेंस एमंग द अर्बन पॉपुलेशन देन द टू पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे कि अर्बन एरिया में ज़्यादा मिल रही है 11% के करीब लोगों में, और रूरल एरिया में जो है वो 2.4% लोगों में मिल रही है। तो डिजीज़ बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें MDRF की, तो इन्होंने कहा है कि साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। साउथ इंडिया में जो पॉपुलेशन है, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 4.3% लोग जो हैं वो मिल जाएंगे इस तरीके के, जिसमें से आपके 5.9% जो हैं वो अर्बन एरिया में हैं और 2.7% रूरल एरिया में। अब कुछ बच्चे जो हैं यहाँ डाटा रटने के लिए बैठ जाते हैं कि सर ये डाटा है, ये डाटा है। नहीं भाई, डाटा याद नहीं रखना, ये समझो कि अर्बन एरिया में सिचुएशन वर्स्ट है टाइप टू डायबिटीज़ की, जबकि रूरल एरिया में सिचुएशन सही है,
मतलब कम है केसेस, क्योंकि ये लाइफस्टाइल बेस्ड जो डायबिटीज़ है वो यहाँ पर है। तो ICMR ने ये भी देखा है कि डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं वो भी लगातार जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। देर आर सम वे जिससे इससे लड़ा जा सकता है टाइप 2 की डायबिटीज़ से, और या फिर डायबिटीज़ की कंडीशन को 45 साल की उम्र से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आपको स्टेपल फूड जो यहाँ पर होते हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। स्टेपल फूड जो हैं वो ऐसे फूड यहाँ पर होते हैं जो कि भारी मात्रा में कंज्यूम यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे साउथ इंडिया के अंदर देखें तो राइस इज़ ए स्टेपल फूड, क्योंकि भारी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। और पीपल इन नॉर्थ इंडिया, उनके अंदर वीट ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो नॉर्थ इंडिया में वीट इज़ अ स्टेपल फूड। तो स्टेपल फूड की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर आपका जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। एज स्टेपल फूड इट इज़ बेस्ट टू कंज्यूम अ फाइबर बेस्ड डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनको राइस के साथ साथ व्हीट का कंजम्पशन भी बढ़ाना पड़ेगा, और जो आपके नॉर्थ के लोग हैं उनको व्हीट के साथ साथ राइस का कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर निकल करके आई कि व्हीट हैज़ द हायर फाइबर कंटेंट एंड मोर प्रोटीन कैल्शियम एंड मिनरल्स, एंड राइस वी यूज इज़ वाइट एंड पॉलिश्ड एंड दिस इज़ नॉट गुड। ओके, तो राइस जो पॉलिश्ड है वाइट है उसको यहाँ पर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने भी एडवाइस किया था कि पॉलिश्ड राइस को कंज्यूम मत करो। तो इट वुड दस बी हेल्थियर फॉर राइस ईटर टू इंक्लूड व्हीट इन देयर फूड। अपने फूड में जो है वो राइस के साथ साथ व्हीट को भी यहाँ पर लो, क्योंकि इससे आपका जो है इसके अलावा आप मेज है या फिर कैरेट है, कैबेज है, पल्सेज है, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको एग, फिश और मटन वगैरह खाना चाहिए। ये सब चीज़ें भी निकल करके आती हैं। लिखा हुआ है प्रिवेंटेबल, तो इस टाइप 2 डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल, जी हाँ प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो अपना वेट सही रखना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ कार्बन इनटेक जो है उसको कम करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन है, और फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जैसे पावर वॉकिंग या फिर हाई इंटेंसिटी वाली। ओके, तो ये सब चीज़ें, उसके अलावा योग का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर करके टाइप 2 डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हो। बट याद रखना कि इंसुलिन से टाइप 2 डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये जो स्टेपल फूड है इसके बारे में और डिटेल में मैंने इस वाली पत्रिका में पढ़ाया, तो सब जो है वो डाउन टू अर्थ में बेसिकली चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो इसको इग्नोर मत करो यार, देख लो ठीक है। लिखा हुआ जैसे क्वेश्चन, राइस इज़ ए स्टेपल फूड इन, चलो सोल्व कर लो, पाकिस्तान में, चाइना में, या बांग्लादेश में, या इंडिया में। तो राइस इज़ ए स्टेपल फूड इन, बताइए। तो ये आपका राइस जो है वो स्टेपल फूड हो जाता है बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हो जाएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे कि राइस तो स्टेपल फूड है, कई भारी मात्रा में इंडिया में भी पाया जाता है। भाई ऑप्शन को देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं, एक सही होगा। तो बांग्लादेश में ज़्यादा खाया जाता है इसलिए बांग्लादेश में स्टेपल फूड है। हाँ, अगर नीचे कोड देते था ए एंड बी, ठीक है, या बी एंड सी, सी एंड डी, या फिर ए बी सी डी, तो ए बी सी डी चारों ही सही हो जाते, क्योंकि चारों जगह पर जो राइस है वो भारी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ें जो है वो डाउन टू अर्थ में कवर कराई जाती हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे मैंने कार्ड लगा दिया है, अगर आप देखना चाहें तो हाथों हाथ देख सकते हैं। तो ये सब पूरा हुआ, और इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पर कवर किए, जो जो चीज़ें काम की थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।